वेलकम गाइस, उम्मीद है कि आप खैरियत से अस्सलामुअलैकुम। ये अभी हम नहर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से नीचे उतरेंगे। ये बुक्कर पीर का पानी के अंदर, पानी की रफ्तार देखें कितनी तेज है। ये अभी पानी के अंदर बैठे हैं पर ना, अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ अभी होटल पे रुके सालन, ये रास्ते ये मेन नहर है। ये सफर बीच में आपके लाजमी आएगा, ये आपने क्रॉस करना है। कितना जोर लगा रही है, ये सारा पानी पहाड़ों से आता है, पहाड़ों का पानी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हम निकल रहे हैं बलूचिस्तान, अब आए हैं हम यहाँ पर नेवल कॉलोनी पंप पर पेट्रोल भरवा के यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। जाएंगे विंदर, विंदर पे स्टे करके सामान वामान लेंगे, थोड़ी सी खरीदारी करेंगे, तो उसके बाद जाना है हमें बुक्कर। ये देखें भाई, ओके अलैकुम। ये पीर बुक्कर का मज़ार है, मौसम बहुत प्यारा है, आज सुबह से हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अभी यहाँ से हम जाएंगे पॉइंट पे नहर, मीठे पानी की उस नहर पे जाएंगे, वहाँ के पॉइंट के फिर व्यू बनाते हैं। अभी हम नहर की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे बाइकों का टोल है। व्यू देखें आप, इतना प्यारा मौसम हो रहा है बलूचिस्तान का।
हमारे शेराज भाई हैं हमारे साथ, जो पॉइंट पे हम पहुंचे हैं। अब बुकर का पॉइंट है, मीठे पानी की नहर है। पानी दिखा दे आप लोगों को, ये बुक्कर पीर का खूबसूरत व्यू है। मौसम भी देख सकते हैं, मौसम कितना प्यारा हो रहा है। यहाँ पे पीछे देखें कितनी आवाम है, सब नहाने में मसरूफ है। ये मेरा फ्रेंड है जो हमारे साथ आए हैं, दूसरा ये मुन्ना भाई है। हाँ मुन्ना भाई, इंजॉय करने में कैसा मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा है। छुट्टियाँ ज़ाया नहीं गई, छुट्टियाँ ज़ाया नहीं गई। पानी के अंदर एंटर हो गए, पर पानी बहुत ठंडा है और बहुत तेज़ जा रहा है पानी। देखें आप, खड़ा नहीं हो सकते, पानी आगे खींच रहा है। पानी की रफ्तार देखें आप लोग, रफ्तार कितनी तेज हुई है। तो पानी ऐसा ठंडा है, मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, इसकी वजह से पानी भी बहुत ठंडा है। पानी की रफ्तार देखें कितनी तेज हो रही है। सारे फ्रेंड है मेरे, और पानी की रफ्तार देखें कितनी तेज हो रही है। बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत खूबसूरत नज़ारा भी है। पानी भी बहुत खूबसूरत साफ है, ठंडा है, बहुत ठंडे से पत्थर भी नज़र आ रहे हैं। ये कराची से कोई 270 किलोमीटर दूर है बुक्कर पीर। बुक्कर पीर से तकरीबन 2 मिनट का सफ़र है, फिर ये आगे ये नहर आ जाएगी। ये पॉइंट है, पॉइंट पर अभी पानी के अंदर बैठे हैं, पर नहा नहीं सकते, बहुत ठंडा है पानी। पानी की रफ्तार देखें आप लोग, रफ्तार कितनी है, इसलिए देखें आप। अभी हम लोग जा रहे हैं मिटली पॉइंट पे, जहाँ पे इससे ज़्यादा पानी भी है और तेज़ भी है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो वहाँ जाके उस पॉइंट की बनाएंगे। हम यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं मिटली की तरफ। फिर मिटली की तरफ व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। हम बुक्कर पीर से रवाना हो गए हैं। व्यू देखो, मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है, जाने का तो दिल नहीं कर रहा, पर मिटली पे भी ऐसा ही मौसम होगा। ना कोई आबादी है, या कुछ रोड सन्नाटा है। यहाँ भी होटल पे रुके, सालन तो हमारा तैयार है, यहाँ थोड़े स्ट्रेक करेंगे, लंच करेंगे, फिर मिटली की तरफ रवाना होंगे। हमारी गाड़ी है, यहाँ से हम लोग रोटियाँ ले रहे हैं अपने लिए। सालन तो तैयार किया हुआ हमने, ये बलूचिस्तान की रोटी है। ये बारिश का मौसम, बारिश हो रही है, पीछे हमारा टोल आ रहा है भाई।
कराची की दूरी अभी है 145 किलोमीटर दूर। इतना सफ़र नहीं है कराची से यहाँ आने का, कम से कम 100 किलोमीटर है। जैसे कराची से हैदराबाद का सफ़र है, इतना कराची से उत्तर दूर का भी 150 किलोमीटर इंजॉय करते हुए जाएंगे। अभी आगे नहर हो रहा है, वो रोड वही है और उसको भी क्रॉस करना पड़ेगा। ये रास्ते में भी ये पानी टकराएगा, ये थोड़ा कम है, इससे आगे जाएंगे कुछ ज़्यादा पानी होगा, वो रोड क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा। क्रॉस करनी है, ये मेन नहर है जो तकरीबन 3-3 फीट पानी होगा। ये नहर हम लोगों ने रात को बड़ी मुश्किल से क्रॉस की थी। ये रास्ता आपको जरूर क्रॉस करना पड़ेगा, ये जब आप फोर व्हील पर भी आए कल पर भी आए जाएगी। आपको ये रास्ता तो क्रॉस करना पड़ेगा, ये रास्ता बीच में पड़ेगा आप लोगों को। देखो ये गाड़ी फंस गई, अंदाजा लगाओ कि कितना पानी होगा, गाड़ी पूरी अभी टायर पानी के अंदर है। ये रास्ता है, पानी देखे कितना है, गाड़ी भी फंसी हुई है। क्यों जाते घूमने फिरते हैं, इतना पानी है, पानी की रफ्तार भी बहुत तेज है। आपके लाजमी आएगा, या आपने क्रॉस करना है या फोर व्हील पर हो या बाइक पर हो, अब ये चीज़ किसी भी है 4x4 है। ये रास्ते हम लोग पैदल जा रहे हैं, कितना जोर लगा रही है। ये सारा पानी पहाड़ों से आता है, पहाड़ों का पानी है।